हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिफास कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा बहुत ही आसान और नए तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है 2 किलो गाजर, जिसे मैंने अच्छे से छील के धो के काट लिया है, रफली काटा है मैंने इसको, बिल्कुल भी बारीक नहीं काटा। आप देख रहे होंगे इस तरह से कटा हुआ है ये। और साथ ही मैंने 1 ग्लास ले लिया है फुल फैट मिल्क। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक प्रेशर कुकर में जो कटी हुई गाजर है उसको हम डालेंगे, और साथ ही डालेंगे हम मिल्क। तो ये देखें, इस तरह से मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है ये, बिल्कुल भी घिसने की ज़रूरत नहीं है गाजरों को। बहुत टाइम लगता है गाजरों को घिसने में, और साथ ही मेहनत भी बहुत लगती है। तो आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो इसमें मेहनत भी कम लगती है और रिज़ल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलता है। इतना ही डिलीशियस बनता है गाजर का हलवा कि जब सब लोग आपके हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाएंगे तो बहुत तारीफ़ करेंगे। तो ये देखिए, दूध भी डाल दिया है मैंने इसमें और अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल 1 ग्लास दूध ही डालना है, उससे ज़्यादा हमको बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ती है, फिर उसको सुखाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ये देखें, अब मैं प्रेशर कुकर को चढ़ा दे रही हूँ गैस पे, और मैं इसको बस सीटी आने तक कुक करूँगी। जैसे सीटी आ जाए बस हमको उसको बंद कर देना है, क्योंकि उतने में ये गल जाती है और बहुत ही मतलब सॉफ्ट हो जाती है। फिर जब आपका प्रेशर कुकर का ढक्कन खुल जाए, फिर आप इसे बड़े चम्मच से बहुत अच्छे से इसको मैश करना है हमको। फ्रेंड्स, हमें इसे गरम गरम ही मैश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गरम गरम ये बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। अगर ठंडी हो जाती है तो बहुत मेहनत लगती है इसको मैश करने में। तो ये देखें, इस तरह से मैं चम्मच से इसको मैश करती जा रही हूँ, और गैस का भी मैंने गैस भी ऑन कर दी है। इसको मैं पकाती भी जा रही हूँ और चम्मच से इसको मैश भी करती जा रही हूँ। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पूरी तरह से पानी नहीं सूख जाता। तो देखिए, इस तरह से चम्मच से चलाती जा रही हूँ मैं। देखिए, ये काफ़ी मैश होती भी जा रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका है। 2 किलो गाजर को आप देखिएगा, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जब इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपको कितनी शुगर ऐड करनी है। मैंने इसमें 1 बाउल शुगर ऐड की है। अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने शुगर को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और फिर से जब हम शुगर ऐड करते हैं तो भी ये पानी छोड़ती है। फिर से हम इसको पकाएंगे और इसका पानी जो है अच्छी तरह से सूखने तक का वेट करेंगे। जब इसका पानी सूख जाए फिर हम इसमें खोआ ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा होममेड खोआ है। जब भी मैं घी बनाती हूँ, घी भी मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, तो मैं जो खोआ निकलता है उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, और फिर जब भी मैं कोई स्वीट डिश बनाती हूँ तो होममेड खोआ ही यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी एडल्ट्रेटेड नहीं होता, फ्रेश भी होता है। तो इसमें इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। तो फ्रेंड्स, यही मैंने होममेड खोआ इसमें यूज़ किया है। आप चाहे तो मार्केट से भी लाकर खोआ इसमें ऐड कर सकते हैं। जब खोआ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम 6-7 कुटी हुई हरी इलायची भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। इलायची बहुत अच्छा सा फ्लेवर ले आता है गाजर के हलवे में। हलवा बिना इलायचियों के बिल्कुल अधूरा होता है। और ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और अच्छे से भुन गई है। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम लगा इसको भुनने में। और देखिए, ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितना ही अच्छा दिख रहा है। जितना अच्छा ये दिखने में उतना ही इसका टेस्ट भी है। तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।